वेलकम टू द बायोग्राफी अदा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन टेलीविजन एक्टर हिमांशु सोनी की बायोग्राफी। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ खास बातें। हिमांशु सोनी एक इंडियन एक्टर हैं। उनका जन्म 1 फरवरी 1989 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनकी माँ का नाम कल्पना सोनी है और उनकी दो बहनें भी हैं जिनका नाम मोनिका और भारती सोनी है। स्टडीज की बात करें तो उन्होंने टैगोर इंटरनेशनल स्कूल जयपुर से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और कॉमर्स कॉलेज जयपुर से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की है। हिमांशु ने 27 नवंबर 2015 को शीतल सिंह से शादी की जो कि एक प्रोड्यूसर हैं। बात करें उनके करियर की तो वह 2011 से एक्टिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने सीरियल द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से टेलीविजन इंडस्ट्री में डेब्यू किया। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू 2017 में फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से किया, जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में काम किया था। हिमांशु टीवी सीरियल अदालत, बुद्धा, खटमल ए इश्क, बीवी के नखरे, नीली छतरी वाले, राधा कृष्ण, राम सिया के लवकुश आदि में काम करते नजर आए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि हिमांशु सोनी एक बहुत ही अच्छे और जाने माने एक्टर हैं जिन्हें जी रिश्ते अवार्ड फॉर फेवरेट दोस्ती से भी नवाजा गया है। हाल फिलहाल वे जी टीवी के अपकमिंग सीरियल प्यार के उस पार में एज अ लीड एक्टर नजर आने वाले हैं, जिनमें वे सिमरन कौर के साथ मेन रोल निभा रहे हैं। हालांकि सीरियल की रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अगस्त 2021 तक सीरियल का प्रीमियर हो सकता है। तो गाइज ये थी एक्टर हिमांशु सोनी की लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।